द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज सब डिवाइडेड इनटू टू बेसिक कंपोनेंट्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया है। ये देखो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मोटर क्यों बोल दिया है ऐसे? क्योंकि अभी बताया था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इफरेंट नर्व कंसिस्ट बोला था मैंने। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, लिखा हो ना, सोमेटिक और ऑटोनॉमिक दोनों, कंसिस्ट ऑफ इफरेंट न्यूरॉन। इफरेंट क्या होता है? मोटर न्यूरॉन। इसलिए यहाँ पर इसका नाम इन्होंने मोटर सिस्टम बोल दिया है, सिंपैथेटिक मोटर सिस्टम बोल दिया है, या बोल दो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। सेम ऐसी पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया है, पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पढ़ते हैं हम सबसे पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर या सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स या सिर्फ सिंपैथेटिक नर्व सेल। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर सप्लाई द हार्ट स्मूथ मसल्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड विसरा। इसके अलावा भी बहुत काम है। दीज न्यूरॉन्स एग्जिट द स्पाइनल कॉर्ड एंड एंटर द सीरीज ऑफ गैंग्लिया नियर द कॉर्ड सिंपैथेटिक चेन। मतलब एक्साइटेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अकर्स ड्यूरिंग फ्लाइट और फाइट सिचुएशन। कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्साइटेशन कब होगा, मतलब वो कब ज्यादा एक्ट करेगा, लिख रखा है ड्यूरिंग फ्लाइट और फाइट सिचुएशन। आपने टेनिस में देखा होगा, टेनिस में मैच खेल रहे हो, फाइनल मैच है, उसने शॉट मारा, आप कोशिश करते हो उठाने की, पूरी कोशिश कर देते हो कि आप जान लगा देते हो, तो वो क्या है? फाइट है। लेकिन आप उसे रिलीज कर देते हो कि आप मेरे बस की नहीं है, वो है फ्लाइट है। सेम यही है, फ्लाइट और फाइट सिचुएशन होती है इंडिविजुअल के अंदर। दैट रिक्वायर होल बॉडी अराउजल फॉर इमरजेंसीज। फ्लाइट और फाइट सिचुएशन में सबसे ज्यादा आवश्यक है आपकी पूरी बॉडी अराउज हो इमरजेंसी की सिचुएशन में। जैसे आप मार्केट जा रहे हो, सामने आपके शेर आ गया और रात के 12 बज रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं है। अब वहां पे यही इमरजेंसी सिचुएशन क्या आई, शेर आ गया सामने, तो आप दो में से एक ही चीज करोगे, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन आपकी बॉडी में जनरेट हो रही है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। उसने क्या करना है, आपकी बॉडी को अराउज करना शुरू कर देना है। अब आप दोनों में से एक ही चीज चूज करोगे, या तो उसको भगाओगे, मारोगे, उससे लड़ोगे, या भाग जाओगे। सेम वही कंडीशन, दोनों में से एक। कौन काम करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसी ज्यादा बॉडी अराउज होगी, इसका मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्साइटेशन ज्यादा हो रहा है, तो आप उससे लड़ने लग जाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी अराउज हो गई है, अब आपको डर नहीं लगेगा और आप उससे लड़ सकते हो। तो सेम ड्यूरिंग द मैच सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। अगर वो एक्टिवेट होगा, आपकी बॉडी को ज्यादा अराउज करेगा, तो आप फ्लाइट और फाइट सिचुएशन के दौरान फाइट वाली कंडीशन को चूज करेंगे। और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एक्सिलरेट ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट। भाई जब अराउजल बढ़ेगा तो आपका ब्रीदिंग और हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा। द पिपिल डायलेट, पिपिल मतलब आंखों की पुतलियां, वो डायलेट होंगी एंड ब्लड फ्लो फ्रॉम द स्किन टू डीपर टिश्यू इन एंटिसिपेशन ऑफ ए परसीव्ड बॉडीली चेंज। और ब्लड फ्लो स्किन से आपके डीपर टिश्यू मतलब वर्किंग मसल्स पे जाने लग जाएगा। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ऑफन टाइम कॉल्ड फ्लाइट फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम। एग्जाम में अगर पूछ लेगा कि भाई फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम किसको बोला जाता है, आप बोलोगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। किसका बोला जाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इट स्टिमुलेट्स मतलब उत्तेजित करता है मेनी ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स रिलेटेड सर्वाइवल एंड स्ट्रेस। उसको स्टिमुलेट करता है। इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका स्टिमुलेट हुआ, देयर इज एन इंक्रीज इन हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, मोर ब्लड फ्लो टू द वर्किंग मसल्स या स्केलेटल मसल,
रिलीज ऑफ ग्लूकोज बाय द लीवर इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन स्केलेटल मसल टू प्रोवाइड रिच एनर्जी सोर्स टू एक्सरसाइजिंग मसल्स। ये देख लो, इसमें भी ये भी बोला हुआ है कि अगर ज्यादा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो रहा है तो ये चीजें आपके में होगा। मतलब आपको वो कोशिश करवाएगा कि भैया फाइट वाली कंडीशन में करो, फाइट वाली कंडीशन चूज करो, तो वो बहुत सारे चेंजेस लाएगा आपकी बॉडी में कि फाइट वाली कंडीशन को चूज करेंगे हम। और अ वैरायटी ऑफ अराउजिंग सिचुएशन माइट स्टिमुलेट दिस सिस्टम टू एलिसिट द फाइट और फाइट रिस्पॉन्स। ये ध्यान रखना, एंजाइटी की कंडीशन में भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। एंजाइटी क्या होता है? एंजाइटी और फियर की कंडीशन में भी, या फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स वाली कंडीशन में भी यही सिस्टम काम करता है आपका। ये सब चीजें चेंज कर देगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देगा, बीपी बढ़ा देगा, ठीक है, हार्ट रेट तेज कर देगा, सच एज वॉकिंग आउट ऑफ द सेंटर। ये देखो इसमें लिखा भी रखा है कि सच एज वॉकिंग आउट टू द सेंटर कोर्ट फॉर द फाइनल टेनिस। मतलब ये बता रखा, वही जो मैं अभी टेनिस का एग्जाम्पल बोल रहा था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को इतना अराउज किया कि वहां से किसी ने शॉट मारा और आपसे दूर चला गया शॉट, तो आप पूरी कोशिश करोगे उसको उठाने की, पूरे दूर तक जाओगे आप। अब वो दूर तक तभी जाओगे, मतलब फाइट कब करोगे, जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रखा है, एक्साइट हो रखा है, और छोड़ दोगे उसको कि यार मेरे बस की इतने दूर तक कहाँ पहुंच पाऊंगा मैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इतना एक्टिवेट, इतना अराउज नहीं कर पाया आपकी बॉडी। सेम दूसरा एग्जांपल, मेकिंग द फाइनल पुशअप हार्ड ब्रेक हिल्स ड्यूरिंग द मैराथन। मैराथन में लास्ट जो 100 मीटर, लास्ट 50 मीटर जो होता है, उसमें पूरा देखो या तो फाइट या फ्लाइट पूरा कोशिश करता है वो। उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्साइट हुआ, आपकी बॉडी को फिर रीजनरेट करा, और वो लास्ट फाइनल लैप करता है उसका मैराथन रनिंग का, या उसे बेहोश हो जाएगा। दोनों में देखो, आपने कभी भी दौड़ दौड़ी होगी, लास्ट फाइनल में आप पूरा जोर लगाते हैं ना, उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही काम करता है। मेकिंग द फाइनल लिफ्ट इन वेट लिफ्टिंग रेसलिंग इन द फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट। रेसलिंग के दौरान भी, फाइनल टूर्नामेंट में लास्ट ऐसे फंसे रहते हैं, पूरा जोर लगाते वक्त उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही आपका काम कर रहा होता है। और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका उल्टा होता है, बस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही उल्टा पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। उससे पहले ये डायग्राम मैंने सेम इसलिए बता रखा है, आपको पता करना है कि सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती हैं। यहां से लेके ये पूरा जो है, ये साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है, ये पूरा का इंटीरियर या लिटरल व्यू बोलते हैं जिसे, ये पूरा का पूरा कहलाता है। जो रेड रेड मैंने बना रखा है, इसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ये नीचे तक यहाँ तक, और ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर वर्टिब्रा है। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है, नेगेटिव पूछ सकता है, 7। C1 से C मतलब सर्वाइकल, और 1 मतलब पहले नंबर पे, की C1 से C7 सात सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, जो आपके नेक की तरफ, नेक के पीछे हाथ लगाओ वहां दिखेंगी आपको। दूसरा थोरेकिक वर्टिब्रा, थोरेकिक रीजन ये हुआ आपका। अब यहां तो वर्टिब्रा होती नहीं, पीछे की तरफ वर्टिब्रा होती, ठीक है। फ्रंट में तो यहाँ पर क्या है, चेस्ट है, चेस्ट के नीचे आपका रिप्स है, तो इस एरिया में नहीं, इसके पीछे, ये रीजन पूरा थोरेकिक कहलाता है, तो इसके पीछे वाला एरिया। टोटल 12 थोरेकिक वर्टिब्रा होती है, टी फॉर थोरेकिक, और 1 2 3 4 से पूरा ऐसे 12 तक है। उसके बाद कमर वाला नीचे रीजन आ जाता है, पीछे, आगे तो एब्डोमन हो गया, पीछे की तरफ 5 लंबर वर्टिब्रा होती है, एल लंबर 1 से लेके 5। उसके बाद सेक्रम, लंबर से नीचे वाला पार्ट, 5 फ्यूज्ड सेक्रल वर्टिब्रा होती है, एस सेक्रल 1 से 5 तक। लास्ट जो है कोकेक्स, जो पूंछ बोलते हैं जिसको, पूंछ वाली हड्डी, उसमें 4 फ्यूज्ड, फ्यूज मतलब धसी हुई है, ये क्या लिखा है, कोकेगियल लिखा है ना, और कोकेक्स बोलते हैं इसे, ये 4 होती है टोटल। तो ये याद करने के लिए आपके मैंने बता रखा है यहाँ पर। अब आता है पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, इसमें जो भी एक्ट होगा इसका उल्टा होगा, किसका, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। मतलब उल्टे का मतलब, या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है हार्ट रेट इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, मोर ब्लड फ्लो टू द स्केलेटल मसल्स, यही काम कर रहा है ना। पैरासिंपैथेटिक का काम क्या होगा, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, हार्ट रेट को पुरानी कंडीशन में लाने का, डिक्रीज नहीं मतलब पुरानी कंडीशन लाना, तो कम कर रहा तो डिक्रीज बोल देते हैं,
ब्लड प्रेशर को फिर पुरानी कंडीशन में लाने का, और स्केलेटल मसल से वापस मसल्स को जरूरत नहीं है वापस अपनी कंडीशन में लाने का, ये सब पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम में का नर्वस सिस्टम काम करेगा। और ये कब करेगा भैया, हार्ट रेट आप कम कब चाहिए, ब्लड फ्लो ब्लड प्रेशर कम कब चाहिए, जब आप एक्टिविटी कर चुके हो, मतलब रिकवरी रिकवरी के दौरान भी पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम आपका काम करेगा। इन कंट्रास्ट टू द सिंपेथेटिक ब्रांच ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, द पैरासिम्पेथेटिक ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडीज कॉन्स्टेंट एंड रेस्टिंग होम्योस्टेटिक स्टेट, मतलब वापस पुरानी वाली कंडीशन में लाना पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम ही काम करता है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, अगर पहला चल रहा है सिंपेथेटिक तो दूसरा पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्साइट नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा, वो मैसेज का आदान प्रदान नहीं करेगा। और जब सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम डाउन चला गया है, जब वो एक्साइट नहीं हो रखा है, एक्साइट होने के बाद मतलब जब सारा काम हो चुका है, आपने स्टिमुलस सब के अगेंस्ट काम कर लिया है, तब पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, सब चीजों को रिलैक्स करने का काम करेगा, मतलब पुरानी होमोस्टेटिक कंडीशन में आने का काम करेगा, नॉर्मल कंडीशन में आपकी बॉडी को लाने का काम करेगा। इसीलिए इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, उसे बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, इसे बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि पुरानी कंडीशन लाने का काम करेगा। और ये मैंने बताया था, ये तभी काम करेगा जब सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम अपना एक्साइटेशन कंप्लीट कर चुका है। जैसे मोस्ट टारगेट टिश्यू ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिसीव इनपुट फ्रॉम बोथ द सिंपेथेटिक एंड द पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम, फॉर एग्जांपल सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट, सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, हार्ट रेट को स्टिमुलेट करना, इंक्रीज करना, टू स्पीड अप, जबकि वेयर एज पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, नर्व का काम क्या होता है, एक्ट टू स्लो इट डाउन, हार्ट रेट को स्लो करने का काम होता है। ठीक है, रेस्ट कंडीशन में स्लो करने का काम नहीं, जब आपकी हार्ट रेट बढ़ गई है, काम हो चुका है, उसके बाद स्लो करने का काम करता है पैरासिंपेथेटिक। द नेचर ऑफ द सिचुएशन वन इज इन, वेदर इट इज स्ट्रेसफुल और नॉट, डिटरमाइंस विच ब्रांच ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट एट दैट टाइम। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट एक्टिवेट होगा, सिंपेथेटिक वाला या पैरासिंपेथेटिक वाला। तो पैरासिंपेथेटिक नर्व एंडिंग रिलीज एसिटिल कोलाइन, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछ सकता है। एसिटिल कोलाइन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एसिटिल कोलाइन एक प्रकार का, या से बोलते हैं एसिटिल कोलीन या एसिटिल कोलाइन, ये एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसी की वजह से हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, पहली चीज मतलब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी संभव होती है, इसी की वजह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में न्यूरॉन से स्केलेटल मसल्स तक मैसेज ट्रांसफर होते हैं एसिटिल कोलीन की वजह से। तो ये पैरासिम्पेथेटिक नर्व एंडिंग ही एसिटिल कोलाइन को रिलीज या एसिटिल कोलीन को रिलीज करती है। तो एसिटिल कोलीन कहाँ निकलता है, न्यूरॉन से, कौन से न्यूरॉन से, पैरासिम्पेथेटिक न्यूरॉन से। जब न्यूरॉन के लास्ट वाले न्यूरॉन पे, मैं भी सिंपल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बताऊंगा तो उसके तो पार्ट्स हैं, लेकिन लास्ट वाले न्यूरॉन जो मसल फाइबर के पास जुड़ा हुआ है, जिस मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उस मसल फाइबर पे मैसेज पहुंचाने के लिए, उस न्यूरॉन से उस मसल फाइबर पे मैसेज पहुंचाने के लिए एसिटिल कोलीन का उस न्यूरॉन से रिलीज होना जरूरी है। अगर उस न्यूरॉन से एसिटिल कोलीन रिलीज नहीं होगा तो मैसेज स्केलेटल मसल फाइबर पे नहीं जाएंगे। एक्चुअल में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब क्या बोलते हैं, कि न्यूरॉन मैसेज भेज रहा है स्केलेटल मसल्स को, बट एक्चुअल में स्केलेटल मसल्स के सबसे छोटा पार्ट जो होता है स्केलेटल मसल फाइबर, उसको मैसेज दिया हो, उसको मैसेज भेजता है न्यूरॉन, और उसको मैसेज भेजने के लिए न्यूरॉन से एसिटिल कोलीन रिलीज होना जरूरी है, इसीलिए इसे न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है। क्यों, न्यूरॉन के पास जो मैसेज है उसे ट्रांसमिट करके कहीं
कहाँ भेजना? स्केलेटल मसल्स के पास भेजना, और इसके निकलने के बाद ही स्केलेटल मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम हैज अबाउट 75% ऑफ इट्स नर्व फाइबर इन द वेगस नर्व गोइंग टू द थोरेकिक एंड एब्डोमिनल रीजन ऑफ द बॉडी। ये इसका लिटरेचर लिखा हुआ है कि वेगस नर्व कहलाती है और ये थोरेकिक और एब्डोमिनल रीजन आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा 75% नर्व फाइबर तो वहीं जाते हैं आपके। और पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन हेल्प द बॉडीज मेंटेन या रिज्यूम, वापस अपनी कंडीशन लाना नॉर्मल रेस्टिंग फंक्शन आफ्टर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हैज अकर्ड। मतलब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होने के बाद पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन होगा, दोनों साथ साथ नहीं होंगे, इसके बाद ही होंगे। इसका काम क्या है? इसका सिंपल काम है पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन का कि भाई सिंपैथेटिक स्टिमुलस के दौरान जो जो आपकी बॉडी में चीज बड़ी थी उनको वापस पुरानी स्थिति में लाने का काम करना है। द प्राइमरी रोल ऑफ पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम इज टू हेल्प द बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट एज इट्स प्रोमोट्स नॉर्मल फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड सिक्रीशन। इसके अलावा भी बहुत फंक्शन है, इंक्लूडिंग यूरिनेशन एंड डिफेकेशन, और बहुत भी है, रिलैक्स हार्ट बीट को वापस कंडीशन लाना, ब्लड प्रेशर को वापस कंडीशन में लाना। इसके अलावा भी देखो लोवरिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक डिवीजन को ही शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये जो देखो ये लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, डायलेट पिपिल, इनहिबिट सल्वेशन, रिलैक्स एयरवेज, एक्सिलेट हार्ट बीट, ये सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। यहाँ पे क्या है, ये पैरासिंपैथेटिक उसका विपरीत काम कर रहा है। दोनों सिस्टम के काम बता रखे हैं। सिंपैथेटिक का काम स्टिमुलेशन में क्या क्या होता है आपकी बॉडी में, और पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या होता है। तो अगर पूछेंगे कि भाई जब आप कोई स्पोर्टिंग एक्ट कर रहे हैं, स्पोर्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको हाई परफॉर्मेंस देने के लिए आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होना बहुत जरूरी है। और रिकवरी में, रिकवरी के दौरान, मतलब आपने एक्ट कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, रिकवरी के दौरान आपका पैरासिंपेथेटिक स्टिमुलेशन होना जरूरी है। वही आपको रिकवरी के दौरान पैरासिंपेथेटिक स्टिमुलेशन ही रिकवरी आपकी तेज करेगा। अभी सब ऑर्गन्स में, ये जितने भी ऑर्गन्स लिखे हुए हैं सारे, ये ऑर्गन, उनमें सिंपेथेटिक स्टिमुलेशन क्या काम करता है और पैरासिंपेथेटिक स्टिमुलेशन क्या काम करता है, ये इसमें दिखा रखा है। सेम ये डायग्राम भी सेम है, दोनों सेम है, बस अलग अलग लिटरेचर से मैंने आपके लिए बनाया है यहाँ पर कि इन दोनों का काम एक्चुअल में क्या होता है। मतलब ये भी देखो इसमें भी लिटरेचर ही लिखा हुआ है, ड्यूरिंग रिकवरी पीरियड मैं आपको ये बता चुका हूँ, आफ्टर एक्सरसाइज स्ट्रेस पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम इज इसेंशियल, बहुत आवश्यक है ड्यूरिंग रिकवरी पीरियड आफ्टर एक्सरसाइज। मतलब नेट में अगर प्रश्न आ गया कि रिकवरी के दौरान नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट स्टिमुलेट होता है, कौन सा पार्ट हेल्प करता है, कौन सा पार्ट एक्ट करता है, वर्क करता है, तो आप बोलेंगे पैरासिंपेथेटिक नर्व फाइबर भी ऑप्शन हो सकता है या पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम भी ऑप्शन हो सकता है। द एबिलिटी ऑफ पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम टू रिस्पॉन्ड इन द मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपेथेटिक रिस्पॉन्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज इन टू द रिकवरी पीरियड, सेम जो सिंपेथेटिक रिस्पॉन्स जो दिया था उसका मॉडिफाई कर देना उसको, और उसका उल्टा काम कर देना वहां पे, जो आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसका यहाँ पर ये खत्म हो गया है। अब एक ये बचा था, ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम, आखिर इसका क्या काम है?